और क्यू आर, पी क्यू और क्यू आर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पी क्यू और क्यू आर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। पी और पी क्यू और क्यू आर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इसी को एक्स और इसी को एक्स को वाई के लिए घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसी को एक्स और वाई की घटती वाई के लिए घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। इसी को x और y के लिए घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। अतः उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि तटस्थता वक्र की रेखाएं की ढाल सीमांत प्रतिस्थापन की दर को व्यक्त करती है यानी कि बताती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि दो वस्तुओं के संयोग में यदि एक वस्तु x की मात्रा बढ़ती जाती है तो दूसरी वस्तु y की मात्रा घटानी पड़ेगी। जब x की मात्रा बढ़ता है तो y की मात्रा ऑटोमेटिक घटता ही रहता है। तभी उपभोक्ता का संतोष एक समान रहेगा उपभोक्ता की पूर्ति, उपभोक्ता की जरूरत एक समान रहेगा। यदि y वस्तु की मात्रा को स्थिर रखा जाता है, ये y वस्तु की मात्रा है, इसको अगर स्थिर रखा जाता है तथा x की मात्रा को बढ़ाया जाता है, इसको यहीं छोड़ देंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे, y को आगे बढ़ाते हैं, तो स्पष्ट है कि उपभोक्ता का संतोष एक समान नहीं रहेगा। उपभोक्ता का संतुष्टि पूर्ति एक समान नहीं रहेगा। अतः कुल संतोष को, कुल उपयोगिता को समान बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि दो वस्तुओं के संयोग में यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ाई जाए तो दूसरी की मात्रा निश्चित रूप से घटानी पड़ेगी। ज्यों ही x की मात्रा बढ़ाएंगे तो y की मात्रा घटेगा, अगर y की मात्रा बढ़ाएंगे तो x की मात्रा घटेगा। यदि एक वस्तु x की मात्रा बढ़ाई जाएगी तो इसके अतिरिक्त इकाइयों एडिशनल यूनिट से उपभोक्ता को घटती हुई उपयोगिता प्राप्त होगी। जब एक वस्तु x की मात्रा को बढ़ाएगी और इसके अतिरिक्त इकाइयों से उपभोक्ता को घटाएगी
तो उपयोगिता प्राप्त होगी, अर्थात उपभोक्ता इसको बढ़ता हुआ महत्व प्रदान करेगा। उपभोक्ता इसको बढ़ता हुआ महत्व, बढ़ता हुआ उपयोगिता इसको प्रदान करेगी। यदि इस बात को दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के संदर्भ में सोचा जाए तो, दो वस्तु एक्स और वाई के संदर्भ में सोचा जाए तो इसका अर्थ यह हुआ कि यदि एक्स की मात्रा बढ़ाई जाती है, इसका अर्थ होता है यदि एक्स की मात्रा, यदि एक्स की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक्स का सीमांत महत्व, एक्स का सीमांत महत्व वाई के रूप में घटते जाता है, यदि एक्स की मात्रा बढ़ाई जाती है तो एक्स का सीमांत का महत्व वाई के रूप में घटता जाता है। यह बात एक उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। यदि पहले एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई, वाई वस्तु की 6 इकाई के लिए प्रतिस्थापित की जाती थी, यहाँ कह रहा है उदाहरण में, यदि पहले एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई किसकी, उदाहरण है, एक्स वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई वाई वस्तु की 6 इकाई के लिए प्रतिस्थापित की जाती थी, प्रतिस्थापित की जाती थी तो अब एक्स वस्तु की दूसरी अतिरिक्त इकाई वाई वस्तु की 6 इकाइयों के लिए प्रतिस्थापित नहीं की जाएगी। वाई वस्तु की 6 इकाई
वायु वस्तु की 6 इकाई के लिए प्रतिस्थापित नहीं की जाएगी, वरन वायु की कम ही इकाइयों जैसे 5 इकाइयों के लिए ही प्रतिस्थापित की जाएगी। वायु को 5 वस्तु, एक्स के पास 6 रहेगा तो वाई के पास 5 वस्तु ही रहेगा, क्योंकि एक्स की बढ़ती हुई मात्रा के परिणाम स्वरूप एक्स का महत्व वाई के रूप में कम होता है। अतः यह घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर की व्याख्या करती है। 2 वस्तुओं के संयोग में जिस वस्तु अर्थात यदि y की मात्रा कम होती है तो उसकी उपयोगिता या महत्व उपभोक्ता के लिए बढ़ते जाता है। y की मात्रा कम होती है तो उसकी उपयोगिता या महत्व उपभोक्ता के लिए बढ़ता है। जिसकी मात्रा कम होती है वह उपयोगिता के लिए अधिक हो जाता है। पहले यदि उपभोक्ता y की 6 इकाइयों का प्रतिस्थापन x की 1 इकाई के लिए करता था तो अब वह ऐसा नहीं करेगा। अब वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि y की मात्रा घटने से y का महत्व उसके लिए बढ़ जाता है। y की मात्रा घटने से जिसकी मात्रा, जिस वस्तु की मात्रा, जैसे x की मात्रा अगर घटेगा तो उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, उसका महत्व बढ़ेगा। अगर y की मात्रा घटता है तो फिर उसकी उपयोगिता भी, उपयोगिता के महत्व बढ़ जाएगा। अतः वह y की कम ही इकाइयों अर्थात 5 इकाइयों का ही x की 1 अतिरिक्त इकाई के लिए प्रतिस्थापित करेगा। इसका अर्थ यह हुआ कि सीमांत प्रतिस्थापन दर क्रमशः घटती जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्रमशः घटती जाती है। अभी तक आपको सिद्धांत की व्याख्या हुआ। किसका सिद्धांत? सीमांत प्रतिस्थापन दर का सिद्धांत, जो कि यह कैसे कार्य करता है। अब इसके बाद है आगे सीमांत प्रतिस्थापन के सिद्धांत के अपवाद। अभी तक जो यह सिद्धांत बताए हैं अब इसके अपवाद को बता रहे हैं। अभी तक इसकी व्याख्या हुआ, सीमांत प्रतिस्थापन दर के सिद्धांत का अब अपवाद बता रहे हैं। सीमांत प्रतिस्थापन दर के सिद्धांत के अपवाद, अभी तक इसकी सिद्धांत की व्याख्या की है, अब इसका अपवाद क्या है? साधारणतया 2 वस्तुओं के बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर घटती हुई सी होती है। जो ही 2 वस्तु होगा तो उसकी सीमांत स्थापन दर घटती हुई प्रतीत होती है, परंतु इसके भी निम्नांकित 2 मुख्य अपवाद हैं। 2 मुख्य अपवाद हैं जिसमें एक नंबर में है, यदि 2 वस्तुएं ऐसी है जो एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न है तो उनके बीच सीमांत प्रतिस्थापन दर समान या स्थिर होगी, घटती हुई नहीं। उदाहरणार्थ
यदि उपभोक्ता एक और अधिक प्याली चाय को प्राप्त करना चाहता है, एक प्याली है उसके पास और एक और प्राप्त करना चाहता है, तो वह एक प्याली कॉफ़ी का परित्याग करेगा। यहाँ पर चाय तथा कॉफ़ी की प्रतिस्थापन की दर क्या होगा? 1:1। चाय और कॉफ़ी की प्रतिस्थापन अर्थात स्थिर है। ऐसी स्थिति में तटस्थता की रेखा का आकार एक सरल रेखा का हो जाता है, जो कि एक्स एक्सिस तथा वाई एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, जिसको एक फिगर के माध्यम से बताते हैं। फिगर के माध्यम से बता रहे हैं Y O X सेब, इधर Y वस्तु का नाम हो गया सेब और X वस्तु का नारंगी। अब यह X तथा Y के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, X और Y के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस 45 डिग्री का कोण बनाती है, जैसा कि संलग्न चित्र से स्पष्ट है, किंतु व्यवहार में किन्हीं दो वस्तुओं का पूर्ण स्थानापन होना वस्तुतः कठिन है। अतः कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यदि दो वस्तुएं पूर्ण स्थानापन्न हैं, तो इसका अर्थ है कि ये वस्तुएं भिन्न भिन्न नहीं होकर एक ही वस्तु की दो इकाइयों की तरह है। और दूसरा नंबर में है, यदि दो वस्तुएं ऐसी है जो एक दूसरे के पूर्ण रूप से पूरक है, दो वस्तु है X और Y, ये दो वस्तु है और दोनों एक दूसरे के पूरक है, तो वे सदा एक निश्चित अनुपात के संयोग में ही मांगी जाएगी। उदाहरणार्थ बाएं तथा दाएं पैर के जूते, बाएं और दाएं पैर के जूते, उनके बीच प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई नहीं हो सकती। प्रतिस्थापन की दर गिरती हुई नहीं हो सकती और न ही बढ़ती, जब भी रहेगा तो यह बराबर ही होगा। ऐसी स्थिति में एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि करने की प्रक्रिया में वाई वस्तु की कुछ इकाइयों को घटा देने से उपभोक्ता के संतोष को समान बनाए नहीं रखा जा सकता। उपभोक्ता के संतोष यानी कि उपभोक्ता के उपयोगिता को समान बनाए नहीं रखा जा सकता, क्योंकि दोनों ही वस्तुएं एक निश्चित अनुपात में ही मांगी जाती है। ऐसी स्थिति में प्रतिस्थापन की दर अंततः कही जाती है, अर्थात संतोष के स्तर को समान बनाए रखने के लिए X वस्तु की एक इकाई की वृद्धि Y वस्तु की